नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्के राम शहर के चलोनी में एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नालागढ़ से एक ब्रेजा कार में सवार होकर पांच लोग अपने घर सौर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे चलोनी गांव के पास पहुंचे तो अचानक गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार तीन स्कूली छात्राएं और एक चालक और एक अन्य युवक सवार था। आसपास के लोगों की मदद से पांचों को राम शहर CHC में इलाज के लिए ले जाया गया, जिनमें से दो छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें नालागढ़ के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जबकि तीन को हल्की चोटें आई हैं, जिनका राम शहर में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर है और मामले की जांच कर रही है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस थाना राम शहर में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से पांच घायलों को राम शहर अस्पताल लाया गया, जहां से दो छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें नालागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने कहा पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार के 200 फीट गहरी खाई में गिरने का कारण कार के आगे एक जानवर आने से हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। समय 1:40 बजे थाने में सूचना मिली कि भिंखरी शोर में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीन लड़कियां स्कूल की छात्रा थी, एक चालक था जिन्हें मामूली सी चोटें आई हुई, जिन्हें बायोलॉजी 108 एम्बुलेंस की सहायता से CHC नालागढ़ को लाया गया, जिनमें से दो को CHC नालागढ़ में रेफर की गई, दो लड़के बस। नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्के राम शहर के चलोनी में एक दर्दनाक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नालागढ़ से एक ब्रेजा कार में सवार होकर पांच लोग अपने घर सौर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे चलोनी गांव के पास पहुंचे तो अचानक गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार तीन स्कूली छात्राएं और एक चालक और एक अन्य युवक सवार था। आसपास के लोगों की मदद से पांचों को राम शहर CHC में इलाज के लिए ले जाया गया, जिनमें से दो छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें नालागढ़ के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जबकि तीन को हल्की चोटें आई हैं, जिनका राम शहर में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर है और मामले की जांच कर रही है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस थाना राम शहर में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से पांच घायलों को राम शहर अस्पताल लाया गया, जहां से दो छात्रों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें नालागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने कहा पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार के 200 फीट गहरी खाई में गिरने का कारण कार के आगे एक जानवर आने से हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। समय 1:40 बजे थाने में सूचना मिली कि भिंखरी शोर में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीन लड़कियां स्कूल की छात्रा थी, एक चालक था जिन्हें मामूली सी चोटें आई हुई, जिन्हें बायोलॉजी 108 एम्बुलेंस की सहायता से CHC नालागढ़ को लाया गया, जिनमें से दो को CHC नालागढ़ में रेफर की गई, दो लड़के बस।